प्रिय आत्मन, कई बार परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होंगी। हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशंस आपको सुख ना पहुंचा पा रही हो, आपकी चिंता का कारण बन रही हो। लॉकडाउन का पीरियड, बिजनेस का बंद हो जाना, पैसे की आवक रुक जाना, खर्चे सतत होते रहना और दिमाग में चिंता का स्तर बढ़ जाना सहज स्वाभाविक सा लगता है। जिनके पास गुजारे के लिए पैसा है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, वे तो इस टाइम में भी अपने आप को निश्चिंत रख पा रहे होंगे, लेकिन जिनके पास ऐसा नहीं है, वे लगातार ऐसा फील कर रहे होंगे जैसे कि उनके ऊपर मानो वज्रपात हुआ हो, संकट का काल आया हो, घोर कलयुग आया हो, किसी की बहुत बड़ी चुनौती उन्हें मिल गई हो। इस तरह से वे लोग परेशान हो रहे होंगे और ऐसे परेशान लोग सोचते होंगे कि ज्ञान ध्यान की बातें सब व्यर्थ है, भक्ति पूजा पाठ सब व्यर्थ है, इस समय में हम कैसे गुजारा कर रहे हैं या कैसे करेंगे, अगर आने वाला टाइम फिर ऐसा ही रहा तो हमारा क्या हाल होगा। इस तरह की चिंताएं उठना महज है, स्वाभाविक है, लेकिन अगर ऐसी चिंताओं के क्षणों में ही हम अपनी चिंताओं के रुख को बदलने का प्रयास करें तो संभव है कि हमारा ये चिंता चिंतन में बदल जाए। हम चिंतन कर सकते हैं। माना कि गृहस्थी के जीवन में तब अव्यवस्था पैदा हो जाती है जब उनके व्यापारिक सोर्स उनको लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हो, जब उनके सामाजिक संबंधों में कहीं खलल पड़ गई हो, जब उनके पारिवारिक सुख शांति में कलह विग्रह पैदा हो गया हो, तो नेचुरल है कि गृहस्थ व्यक्ति अव्यवस्था से घबरा जाए, संकटों से गुजरता हुआ। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर वो व्यक्ति चिंता करने की बजाय अपने चिंतन को सम्यक रुख दे, सम्यक आकार दे, तो वह इन परिस्थितियों और हालातों के मध्य में भी कुछ नया अच्छा क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है, आओ जाने हम। जब किसान खेतों को बाहता है, यानी उसकी बुवाई करने से पहले उसकी जब जुताई कर रहा होता है, तो वो सब गड्ढे बना रहा होता है। जब गड्ढे बनने के क्षण होते हैं, तब कल्पना करो कि अगर पृथ्वी को ये ना पता हो कि मेरे ऊपर गड्ढे क्यों किए जा रहे हैं और वो चिंता करती जाए तो वो कुछ भी हासिल नहीं करेगी। लेकिन अगर उसे विश्वास हो कि इन गड्ढों को बनाते समय भी कि मेरे भीतर इस समय अच्छे बीज डाले जाएंगे और वे बीज डाले जाने के बाद वापस मैं लहलहा उठूंगी, ठीक ऐसे ही अगर हम इन गड्ढों के क्षणों में, यानी विपदा का काल को एक गड्ढे का क्षण समझ लो, तो इन गड्ढे के क्षणों में, यानी जब हमारी बुवाई की पहले की स्थिति हो रही है, जुताई हो रही हो, उस समय के अंदर अगर हम अपने भीतर अच्छे विचारों के बीज डालेंगे, आस्था भरे बीज डालेंगे, विश्वास से अपने आप को सिंचित करेंगे और धैर्य रखेंगे और कहेंगे कि मैं अपने दिल दिमाग के अंदर नकारात्मक चिंतन नहीं लाऊंगा, मैं विश्वास के साथ जीता हूं और ये जानता हूं कि जैसे मेरा कल सुरक्षित फील होता था, मेरा आज भी सुरक्षित है और मेरा आने वाला कल भी सुरक्षित ही होगा। अब भरोसा करना सीखो और भरोसा करते हुए वर्तमान में अपने आप को धैर्य देना सीखो। फिर से इन्हीं दो शब्दों को याद करो जो साईं बाबा ने कहे थे कि सबकी इच्छा पूरी होगी लेकिन श्रद्धा और सबूरी रखना। श्रद्धा यानी भरोसा रखना और सबूरी यानी धीरज रखना। तो अगर आप इस क्षणों के अंदर ये मान लो कि आप अच्छे विचारों के बीज डालोगे, तो जब कभी भी पानी बरसेगा तो आपके खेत में बहुत अच्छी अच्छा जमाना आएगा, अच्छी फसल पक कर के तैयार हो जाएगी। लेकिन इन क्षणों के अंदर अगर आपने बीज ही नहीं डाले, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चिंतित परेशान रहे, दुख की कथा और व्यथा ही सुनाते चले गए, तो आप ये समय खो दोगे।
इन समय के अंदर, जबकि अभी कोई फसल नहीं आ रही है, तब आप अच्छे बीजों को डालने के लिए अपनी ज़मीन की अच्छी खुदाई करो, अच्छी जुताई करो, अपने आप के अंदर की सारी कुंठाओं को दूर करो, अपने अंदर के सारे भयों को दूर करो, चिंताओं को दूर करो, शंकाओं को दूर करो। बस भरोसा करके जियो कि मैं विश्वास करता हूँ पूरी कायनात पर, और मैं विश्वास करता हूँ अपने सद्भावों पर। आपके सद्भाव ही आपको संपन्नता देंगे। आप अगर सद्भावित हो तो आपको आज नहीं तो कल संपन्नता अवश्य प्रकट होगी। सद्भाव से समृद्धि आती है। इस सूत्र को कभी मत भूलो कि सद्भावों से ही समृद्धि आती है। जो भी लोग आज समृद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने पहले प्रकृति में सद्भाव फैलाए हैं, इन्होंने इस दुनिया को सद्भाव दिए हैं, धन्यवाद दिया है, दुआ दी है, सहयोग दिया है। इनकी सद्भावना ही आज पूरी प्रकृति इनको वापस समृद्धि दे रही है, उपहार दे रही है। तो आप इन क्षणों के अंदर भी दुखी होगे तो दुर्भाव निकालोगे, और अपने आप को धैर्य का दान दोगे, आस्थामय बने रहोगे तो सद्भाव दोगे, और सद्भाव रखोगे तो आपके घर पे भी आज नहीं तो कल जब भी मौसम अनुकूल होगा, पानी बरसेगा, बहुत समृद्धियाँ आपके घर में भी आएंगी। बस इन क्षणों को गंवाओ मत, चिंता में मत बिताओ, अपने आप पे काम करो, अपने आप को ठीक करने का अब प्रयास करो, खुद को सही मोड़ पर रखो। देखो, आपका सही मूड होने पर पूरी प्रकृति खुश होती है। आप उदास होते हो तो सब लोग आपको देख करके उदास और चिंतित हो जाते हैं। इसलिए उदासियाँ छोड़ो, आस्था से, धैर्य से जियो। विराट गुरु जी कहा करते कि यह मन की उदासी झूठी है, क्यों श्रद्धा तेरी टूटी है। आ फिर खुशियों में खोजा तू, खुशियाँ सदा अनूठी है। इसीलिए आस्था में जियो। जय हो, जय हो, जय हो, जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।